हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने लास्ट के टॉपिक में हमारी लास्ट स्टेटमेंट करी थी स्विच स्टेटमेंट, उसके पहले हमने चार स्टेटमेंट और करी थी, तो हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट का टॉपिक कंप्लीट हो गया था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लूपिंग स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लूपिंग, लूपिंग का मतलब ही क्या होता है? रिपीटेशन, मीन्स दोबारा दोबारा उसी स्टेटमेंट को रिपीट करना। ठीक है, तो अब ये लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर होता क्या है? इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिपीट एन ऑपरेशन और सेट ऑफ ऑपरेशंस टू ऑब्टेन ए रिजल्ट। दिस रिपीटेशन इज नोन एज ए लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। किस लिए यूज़ होता है? टू रिपीट किसी ऑपरेशन या किसी सेट ऑफ ऑपरेशन को रिपीट करने के लिए हम लूपिंग स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लूप स्ट्रक्चर में दो तीन पॉइंट्स होते हैं, ये देख लो। द लूप स्ट्रक्चर ऑलवेज हैज़ एन एंट्री पॉइंट एंड एन एग्जिट पॉइंट। लूप स्ट्रक्चर का ऑलवेज एक एग्जिट पॉइंट होगा और एक एंट्री पॉइंट होगा। ठीक है, द एंट्री पॉइंट इंडिकेट्स क्या करेगा? बिगिनिंग ऑफ द लूप। और एग्जिट पॉइंट क्या इंडिकेट कर देगा? टर्मिनेटिंग ऑफ द लूप। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले एंट्री पॉइंट, फिर बीच में क्या होता है? एक्शन ब्लॉक, जिसमें स्टेटमेंट होती है, कंडीशंस होती है, फिर होगा एग्जिट पॉइंट। ठीक है, एक्शन ब्लॉक में मींस जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं वो होगा, फिर होगा एग्जिट पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये लूप का स्ट्रक्चर होता है। अब देखो लूपिंग स्टेटमेंट, लूपिंग स्टेटमेंट दो टाइप की होती हैं, दो टाइप्स के लूप होते हैं। एक होता है प्री टेस्ट लूप और एक होता है पोस्ट टेस्ट लूप। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं प्री टेस्ट लूप। लूप कैन बी क्लासिफाइड एज प्री टेस्ट लूप व्हेन द कंडीशन इज चेक्ड एट द एंट्री पॉइंट। मीन्स जब कंडीशन पहले चेक होएगी तो उसे क्या बोलेंगे? प्री टेस्ट लूप। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन चेक कब हो रही है? एट द एंट्री पॉइंट। देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी, अगर वो ट्रू है तो एक्शन ब्लॉक में जाएगी, जो हम चाह रहे हैं वो प्रिंट होएगी। ठीक है, अगर वो फॉल्स है तो सीधा क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, मींस इसमें क्या होता है, जब तक स्टेटमेंट फॉल्स नहीं हो जाती तब तक वो दोबारा रिपीट होती रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, दोबारा दोबारा उसका रिपीटेशन चलता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये प्री टेस्ट लूप था, अब है पोस्ट टेस्ट लूप। तो देखो फ्रेंड्स, प्री टेस्ट लूप के बाद दूसरा लूप कौन सा होता है? पोस्ट टेस्ट लूप। द पोस्ट टेस्ट लूप इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द प्री टेस्ट लूप। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है? पोस्ट टेस्ट लूप जो होता है वो क्या है? अपोजिट है किसका? प्री टेस्ट लूप का। इन द पोस्ट टेस्ट लूप कंडीशन इज चेक्ड एट द एग्जिट पॉइंट। प्री टेस्ट लूप में क्या हो रहा था? कंडीशन कहाँ चेक हो रही थी? एंट्री पॉइंट पे। बट पोस्ट टेस्ट लूप में कंडीशन कहाँ चेक हो रही है? एग्जिट पॉइंट पे। इसमें भी सेम है, एक्शन ब्लॉक, उसके बाद टेस्ट कंडीशन, कंडीशन बाद में चेक हो रही है। अगर कंडीशन ट्रू हो रही है तो वो रिपीट होएगी, बार बार लूपिंग लूप स्ट्रक्चर चलेगा। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स हो रही है तो सीधा एग्जीक्यूट कर देगा। मींस जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक स्ट्रक्चर रिपीट होता रहेगा। ठीक है, अब आता है टाइप्स ऑफ लूप। लूप थ्री टाइप्स के होते हैं फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज प्रोवाइड्स थ्री टाइप्स ऑफ लूप स्ट्रक्चर्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले कर रहे हैं फॉर लूप। द फॉर लूप, द फॉर लूप इज ए प्री टेस्ट लूप। फॉर लूप कौन सा लूप है? प्री टेस्ट लूप है, मीन्स यहाँ कंडीशन क्या होगी? पहले चेक होगी। ठीक है, इट इज़ जनरली यूज इन केसेस वेयर द स्टेटमेंट आर टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली फॉर ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, जहाँ पे हमारे को स्टेटमेंट रिपीटेडली एग्जीक्यूट करानी हो फिक्स नंबर ऑफ टाइम। ठीक है, नंबर हमें पता होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, तो हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। द फॉर लूप स्टेटमेंट यूजेस थ्री एक्सप्रेशंस, थ्री एक्सप्रेशंस यूज होते हैं फॉर लूप में। तो इसका सिंटेक्स देख लो क्या है, फॉर एक्सप्रेशन वन, एक्सप्रेशन टू और एक्सप्रेशन थ्री, फिर उसके बाद है एक्शन ब्लॉक। तो फ्रेंड्स देख लो, हम लास्ट में सेमी कॉलन का यूज़ नहीं कर रहे, जैसे कि हम इफ़ स्टेटमेंट में भी यूज़ नहीं कर रहे थे, तो यहाँ भी हम
सेमी कॉलन यूज़ नहीं करते, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स है। अब हम छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि एक्शन ब्लॉक में क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या होते हैं, कौन से तीन एक्सप्रेशन होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, प्रोग्राम है हैश इंक्लूड stdio डॉट h, हैश इंक्लूड conio डॉट h, ये दोनों हमारी है हेडर फाइल। उसके बाद है मेन फंक्शन, फिर हम ले रहे हैं इंट जो कि डाटा टाइप है, और i हमने ले लिया वेरिएबल, ठीक है। तो हम यहाँ से फोर लूप स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम तीन एक्सप्रेशन लेते हैं, ठीक है। हमने ये पीछे लाइन पढ़ी है, तो तीन एक्सप्रेशन कौन से होते हैं, कहाँ यूज़ हो रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये होते हैं तीन एक्सप्रेशन, 1, 2 और 3, ठीक है। अगर हम यहाँ पे इंटीजर i की जगह j ले ले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, j इज़ इक्वल टू 1, और यहाँ पे हम लेस देन की जगह लेस देन भी यूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन भी यूज़ कर सकते हैं, i प्लस प्लस की जगह हम डिक्रीमेंट भी यूज़ कर सकते हैं, i माइनस माइनस, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड है, आपको रिजल्ट कैसा चाहिए वैसे ही आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीन एक्सप्रेशन होते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, i इज़ इक्वल टू 1 फॉर i इज़ इक्वल टू 1 i लेस देन इज इक्वल टू 10, मीन्स i की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए, 1 से, और i की वैल्यू लेस देन इज इक्वल टू 10 तक चलेगी, और हर बार i में इंक्रीमेंट होगा एक एक, ठीक है। i प्लस प्लस का मतलब ये है। तो प्रिंट क्या करा दे, अगर कंडीशन ट्रू आती जा रही है तब तक क्या प्रिंट कराता जाए, हे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे को आउटपुट क्या शो करेगा, हे 10 टाइम्स, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो, पहले ये गया फोर लूप के पास, i इज़ इक्वल टू 1 के लिए प्रिंट कराया, 2 के लिए कराया, 3 के लिए कराया, 4 के लिए कराया, 5 के लिए, 6 के लिए, मीन्स हर बार कंडीशन क्या हो रही थी, ट्रू, तो ये प्रिंट कराता गया हे हे हे, ठीक है। बट वो हमने ऊपर क्या कंडीशन दी है, फोर i इज़ इक्वल टू 10 और i लेस देन इज़ इक्वल टू क्या, i इज़ इक्वल टू 1 और i लेस देन इज़ इक्वल टू क्या होना चाहिए, 10। बट जैसे ही ये 11 पे आएगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, तो वो सीधा एग्जीक्यूट हो जाएगा, है प्रिंट नहीं कराएगा, ठीक है। तो इसलिए इसने 10 टाइम्स प्रिंट कराया, ठीक है। तो जैसे जितनी बार कंडीशन ट्रू हुई ये प्रिंट करवाता गया, जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो सीधा एग्जीक्यूट हो गया, उसने और प्रिंट नहीं कराया, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम फोर लूप का यूज़ ऐसे करते हैं। मैं इस प्रोग्राम को आपको नेक्स्ट लेक्चर में रन करा के दिखाऊंगी, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट लूप पे चलेंगे जो कि है व्हाइल लूप, ठीक है फ्रेंड्स।